दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी यहाँ पर शाम हो रही है और मैं बस यहाँ पर शाम की चाय की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, मेरी चाय यहाँ पर उबल रही है, तो अब मैं इसमें चाय पत्ती डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1.5 छोटी चम्मच चाय पत्ती डाली है। रुको, अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। तो मैंने इतने चाय में 3 चम्मच, अब मैं इसमें थोड़ी सी अदरक भी कूट कर डाल रही हूँ। इसमें मैंने एक अदरक का छोटा टुकड़ा लिया है, उसे मैंने अच्छे से क्रश कर लिया, उसे मैंने चाय में डाल दिया। तो ये देखिए मेरी चाय कितनी अच्छे से उबल रही है और बस अब ये तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर अब ये ऑफिस से आ चुके हैं और हाथ मुंह धो रहे हैं, तो उसके बाद हाथ मुंह धो लेंगे, फिर मैं यहाँ पर चाय निकाल दूंगी। तो यहाँ पर ये हाथ मुंह धो चुके हैं और अब यहाँ पर इसे अच्छे से पोंछ रहे हैं, क्योंकि आजकल कहीं बाहर जाने पे बहुत डर लगता है और आने के बाद हमें अच्छे से नहाना भी चाहिए और चेहरा वगैरह फिर से अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। तो इनने सब कुछ कर लिया है आने के बाद, तो बस मैं अब चाय देने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी चाय अच्छी तरह से उबल कर तैयार हो गई है, तो बस मैं अब यहाँ पर गैस बंद कर दे रही हूँ और मैं अब चाय को छान ले रही हूँ, क्योंकि ये भी हाथ मुंह धोकर बैठ चुके हैं। तो बस अब हम लोग चाय पियेंगे और थोड़ा सा मैं नाश्ता करूंगी और इन्हें भी थोड़ा सा नाश्ता दूंगी। तो अब मैंने दोनों ग्लासों में चाय डाल दी है, तो अब मैं इन्हें देने जा रही हूँ। तो इसे मैं एक प्लेट में रख लेती हूँ कि काफी गर्म है, मेरा हाथ जल रहा। ये लो अपनी चाय। अरे वाह, आज बन गई इतनी जल्दी? आज तो जल्दी तैयार हो गई। धन्यवाद धन्यवाद। तो मैंने बस यहाँ पर इन्हें थोड़ा सा स्नैक्स दिया है, नमकीन, और बस अब हम लोग स्नैक्स खाकर और चाय पियेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा मिट्टू है और देखिए बड़े मजे से खेल रहा, और इसे ज्यादातर टाइम खेलना ही पसंद होता है। और देखिए अपनी भाषा में बोल भी रहा कुछ कि शाम हो गई है, मुझे भी खाना दे दो, चाय दे दो। ये अपनी भाषा में बुला रहा हमें कि मेरे भी नाश्ते का टाइम हो गया है, मुझे भी दे दो। मिट्टू, तुम्हें भी चाय चाहिए, नाश्ता चाहिए तुम्हें भी, इसलिए कूद रहे हो, अभी मिलेगा तुम्हें भी, ठीक है, तब तक खेल लो। तो इनको ये वाली नमकीन बहुत पसंद है, तो ये अक्सर शाम को जब आते हैं ऑफिस से तो यही वाली नमकीन खाना पसंद करते हैं और ये हम लोग को भी अच्छी लगती है। अरे मेरा मिट्टू भी लगा, मिट्टू ले। तो मिट्टू भी इनसे मांग रहा है मुझे भी दे दो। ले, ले मिट्टू। और मिट्टू को भी नमकीन खाना बहुत पसंद है, तो बस मांग रहा। ये मिट्टू दे दो, ले मिट्टू। तो ये देखिए यहाँ पर मिट्टू इसे बहुत पसंद से खाता है और इसे भी ये नमकीन बहुत पसंद आती है। तो इसे ये नमकीन हम लोग ज़्यादा नहीं देते हैं, बस इसे कभी कभी देते हैं, क्योंकि ज़्यादा ये तेल वाली चीज़ें देने से इनके पंख झड़ जाते हैं, तो बस इसे कभी कभी मैं ये नमकीन दे देती हूँ। यहाँ पर चाय वाले बर्तनों को धो रही हूँ, तो मैं चाय वाले बर्तनों को पहले साफ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में फिर शाम का खाना बनाती हूँ। तो बस अब बर्तन को साफ कर लूंगी मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बाकी स्टील के बर्तनों को भी धो ले रही हूँ और मैंने सॉसपैन को धो लिया है। अब मैंने इसी तरह से सारे बर्तनों को धो लिया है, मैं इन्हें साफ पानी से क्लीन कर रही हूँ। तो बस मेरे सारे बर्तन अब धुल गए हैं, तो अब मैं बर्तन सारे धुल गए हैं, मैं इन्हें ऊपर लगा दे रही हूँ। तो बर्तन धो जाए बस मैं इन्हें रेक पे अच्छी तरह से लगा दे रही हूँ। अब मैं यहाँ पर दूध उबालने के लिए एक पतीला ले रही हूँ, तो मैं दूध को अक्सर शाम में ही उबालती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध डाला है पतीले में और उसके बाद मैं इसमें पानी मिला रही हूँ, क्योंकि दूध में थोड़ा पानी मिलाकर ही उसे उबालना चाहिए, नहीं तो ऐसे दूध अच्छा नहीं लगता पीने में। तो मैंने दूध चढ़ा दिया है पानी मिलाकर उबालने को। अब यहाँ पर मैं दाल ले रही हूँ, तो शाम के खाने में यहाँ दाल चावल बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले दाल निकाली, यहाँ मैंने ये अरहर की दाल ली है प्लेट में, और इसी मैंने थोड़ा सा ये मसूर दाल मिलाई है। तो अरहर दाल मैंने इसमें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ली है और मसूर दाल मैंने थोड़ी सी कम मात्रा में ली है। तो मैंने इसे चुन कर अभी रख दिया है साइड में। और आज शाम में मैं खाने में भरवा करेले बना रही हूँ, तो मैं इसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ यहाँ पर। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले 2 करेले लिए हैं और उसके साइड के हिस्सों को कट कर दिया है, और उसे कट करने के बाद मैं करेले को बीचों बीच काट रही हूँ। और करेले को काटने के पहले मैंने अच्छी तरह से इसे वॉश कर लिया था। तो इसके बाद मैंने करेले को काट कर और कुकर में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर और अब मैं इसे उबलने के लिए चढ़ा दूंगी, और इसे मैं 4 विसल आने तक पकाऊंगी।
तो यहाँ पर मैंने कुकर में डाल दिया है सारे करेले को, और इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही पानी डालना है। तो मैंने अब कुकर का ढक्कन लगा दिया है, और हमें गैस का फ्लेम ज़्यादा स्लो नहीं रखना, इसे थोड़ा तेज ही रखना है। तो यहाँ पर अब भरवा करेले के लिए मैं मसाले पीसने की तैयारी कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने मिक्सी जार में सबसे पहले 5-6 प्याज कट करके लिए हैं, इसी में थोड़े से राई के दाने लिए हैं, थोड़ा सा जीरा लिया है और थोड़ी सी लहसुन भी ली है। तो इन सबको मैंने पीस कर यहाँ फिर डाल लिया है बर्तन में, और इसी में थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सब मिला रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे मसालों को इन पीसे मसालों में अच्छी तरह से डाल दिया है। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, तो नमक आपको अंदाज से डालना है, जितने करेले हो उसी के हिसाब से आपको नमक डालना है। तो अब मैंने यहाँ कढ़ाई में तेल डाला है, और अब मैं इन मसालों को इसमें फ्राई होने के लिए डाल दूँगी। तो मसालों को हमें तेल में डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर मैं चावल बनाने के लिए चावलों को थोड़ा चुन रही हूँ। तो यहाँ पर मसाला थोड़ा भुन चुका है, तो अब मैं इसमें 1.5 चम्मच चमचूर पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि करेले भरवा जब बनाते हैं तो इसमें थोड़ा अमचूर पाउडर डालना अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरी दाल बनकर तैयार हो गई है, तो मैंने दाल में थोड़े से आलू डाल दिए थे, तो अभी मैं बस उन्हीं आलूओं को निकाल रही हूँ दाल में से। तो ये देखिए मेरी दाल बनकर तैयार हो गई है, और ये करेले का मसाला भी तैयार हो गया है। तो अब मैं थोड़ा सा आलू का चोखा बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं अब आलू को यहाँ फ्राई कर रही हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है, और आलू को मैंने थोड़ा सा क्रश करके और इसमें मिला दिया है। आलू में ही मैंने धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, हल्दी और हल्का सा मिर्च पाउडर डाला है। तो चोखे को मैंने अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करके निकाल दिया है, और अब मैं यहाँ पर जो मसाले मैंने भून कर रखे हैं करेले वाले, उसे मैं इन करेलों में फिल कर रही हूँ। तो इन मसालों को थोड़ा थोड़ा डालकर करेलों को अच्छे से फिल कर लेना है। और इसे मैं थोड़ा सा आटा लगा रही हूँ, और ये गेहूं का आटा है, और करेले के ऊपर थोड़ा सा मैं इसे लगा रही हूँ ताकि मसाले तेल में इसके निकल ना जाए। तो उसके बाद मैंने इन सारे करेलों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा गेहूं का आटा लगा दिया है। तो अब मैंने थोड़ा सा तेल डाला है मस्टर्ड ऑयल कढ़ाई में, और इसके बाद मैं अब करेलों को फ्राई होने के लिए डाल रही हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने 2 करेलों को डाला है फ्राई होने के लिए, और तब तक मैंने यहाँ पर चावल भी चढ़ा दिए हैं। तो 2 करेले अब बनकर निकल चुके हैं, और फिर बाकी बचे 2 करेलों को भी इसमें तलने के लिए डाल दिया है। तो ये देखिए हमारे करेले बनकर तैयार हो चुके हैं, और यहाँ पर चावल भी बनकर तैयार हो गई है। तो मैंने चावलों को अब खोल दिया है, और यहाँ पर अब मैं खाना निकाल रही हूँ। तो ये मेरा खाना तैयार हो गया है, दाल, आलू का चोखा, भरवा करेले और चावल। तो ये देखिए खाना तैयार है। तो अब मैं यहाँ पर मिट्ठू को भी खाना दे रही हूँ, क्योंकि इसे भी दाल चावल खाना बहुत पसंद है। तो अब मैं यहाँ पर मिट्ठू को खाना दे रही हूँ, और इसे दाल चावल मिलाकर दे दो तो इसे भी ये बहुत खाना इसे भी अच्छा लगता है। और ये दाल चावल जैसे ही बन जाता है, और जैसे ही हम लोग खाना खाने बैठते हैं, तो ये अपने केज को बहुत ज़ोर से बजाता है और खाना मांगता है। तो दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपनी पारी आने पर वैक्सीन लेना ना भूलें और अपना ख्याल रखें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।